बालको प्रबंधन के लिए यह गौरव का विषय है कि बालको नगर में कमलिनी नर्सरी स्कूल 35 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है। बालको प्रबंधन शैक्षणिक उन्नयन के साथ बालको टाउनशिप के चहुमुखी विकास के लिए कटिबद्ध है। बालको के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पूर्णकालिक निदेशक श्री प्रमोद सूरी ने ये बातें कमलिनी एमजीएम नर्सरी स्कूल के वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में कही। कमलिनी एमजीएम नर्सरी स्कूल के वार्षिक उत्सव कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बालको के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पूर्णकालिक निदेशक श्री प्रमोद सूरी थे। बालको के वाणिज्य एवं प्रशासन सह उपाध्यक्ष श्री अतुल मित्तल और बालको महिला मंडल की अध्यक्ष श्रीमती गीता सूरी विशिष्ट अतिथियों के तौर पर मौजूद थी। नन्हे मुन्नों ने अतिथियों की अगवानी की। कमलिनी एमजीएम स्कूल के वार्षिक उत्सव पर आयोजित कार्यक्रम की शुरुआत श्री सूरी, श्री मित्तल और श्रीमती सूरी के अलावा अन्य विशिष्ट अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। अतिथियों ने छत्तीसगढ़ एमजीएम समूह के दिवंगत चेयरमैन बिशप स्टेफनियस थियोडिसिस को श्रद्धांजलि भेंट की। कमलिनी एमजीएम स्कूल प्रबंधन की ओर से बैज लगाकर अतिथियों का स्वागत किया गया। बच्चों ने अतिथियों को पुष्पगुच्छ भेंट किए। अर्पित एंड लिजा एंड सुयेश विल प्रेजेंट स्तुति सरकार एंड श्लोक शर्मा विल प्रेजेंट बुके टू मिसेस गीता सूरी पीयूष एंड नौमी विल प्रेजेंट रेवरेंड थैंक यू लिटिल वंस नाउ। कमलिनी एमजीएम नर्सरी स्कूल के वार्षिक उत्सव के मौके पर श्री सूरी ने बताया कि बालको प्रबंधन की योजना पूरे टाउनशिप को उन्नत बनाने की है। शैक्षणिक उन्नयन पर भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है कि किस तरह से उन्होंने पूरे छत्तीसगढ़ में बल्कि पूरे देश में बच्चों की शिक्षा के लिए जो क्रांति चलाई और जिसको आगे बढ़ाया और उसी का परिणाम है कि आज हम लोग एमजीएम कमलिनी स्कूल में ये फंक्शन मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। उस महान आत्मा को हम सबकी बहुत बहुत श्रद्धांजलि। मेरा ये बहुत ही सौभाग्य है कि मैं आज तीसरी बार कमलिनी स्कूल के एनुअल फंक्शन को अटेंड करने के लिए यहाँ आने का मुझे मौका मिला। बालको में आए मुझे 3.5 साल हुए हैं और उसमें तीसरी बार कमलिनी स्कूल के एनुअल फंक्शन में आने का अवसर मिला है और यकीन मानिए इसके अलावा और किसी भी स्कूल के एनुअल फंक्शन में मैं आज तक नहीं गया। और फंक्शनों में गया लेकिन जो एनुअल फंक्शन इन छोटे छोटे बच्चों के साथ आकर देखने को मिलता है और इन छोटे बच्चों को देख के जो अनुभूति होती है वो अपने में एक बहुत ही महान एक्सपीरियंस है। हमारे बालको परिवार में करीब 5,000 परिवार बालको नगर में रहते हैं और हर परिवार में नन्हे मुन्ने छोटे बच्चे होते हैं। पिछले 35 साल से कमली स्कूल इन नन्हे मुन्ने बच्चों को जो प्राथमिक शिक्षा है, बच्चा जब घर से अपनी माँ की गोद से बाहर निकलता है तो सबसे पहले जिस गुरु के पास वो जाता है वो कमली स्कूल बालको में है और स्कूल के अंदर उस बच्चे की जो नींव बनाई जाती है उसी पे निर्भर करता है कि वो बच्चा आगे जाके क्या बनेगा। और हमें इस बात पे बहुत गर्व है कि पिछले 35 सालों में कमलिनी स्कूल में जो बच्चे जिन्होंने अपना जीवन स्कूल से शुरू किया वो अपनी जिंदगी में आगे जाके बहुत ही सक्सेसफुल हुए, ना केवल भारत में बल्कि आज कमलिनी के बहुत सारे स्टूडेंट अमेरिका में, यूरोप में, जर्मनी में भी अपना नाम और अपने माता पिता का नाम रोशन कर रहे हैं। कमलिनी स्कूल पिछले 35 साल से बालको मैनेजमेंट बालको लेडीज क्लब के माध्यम से चला रहा था लेकिन ये लगा कि ये स्कूल में
हालांकि लेडीज क्लब की तरफ से बहुत ही परिश्रम किया जा रहा था, बहुत मेहनत की जा रही थी और बहुत सारे टीचर्स ने अपना बहुमूल्य समय निकाल के बच्चों की सेवा में, बच्चों को डेवलप करने में लगाया, लेकिन हमें लगा कि कहीं ना कहीं कुछ कमी है। इस स्कूल को एक प्रोफेशनल बॉडी के हाथ में देंगे तो ये स्कूल और अच्छी तरह से चल सकता है। और मुझे ये बताते हुए बहुत गर्व महसूस होता है कि इस साल जुलाई महीने में जब हमारी मैनेजमेंट कमेटी ने ये डिसीजन लिया कि ये स्कूल को हम किसी प्रोफेशनल बॉडी को हैंडओवर करेंगे, तो हमने ना केवल कोरबा बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में इस चीज की तलाश करी कि वो ऐसी कौन सी संस्था है, ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो इस स्कूल का जिम्मेदारी संभाल सकती है। और ये ईश्वर की कृपा है और हमारा सौभाग्य है कि एमजीएम स्कूल की जो सोसाइटी थी वो आगे आए और उन्होंने हमारी ये रिक्वेस्ट मानी, और मैं इस बात के लिए उनका बहुत आभारी हूँ अपनी पूरी मैनेजमेंट की तरफ से कि उन्होंने ये जिम्मेदारी ली कि बालकों का जो भविष्य है, इस छत्तीसगढ़ का जो भविष्य है, इस देश का जो भविष्य है, छोटे मोटे बच्चे जो है, नन्हे मुन्ने बच्चे, उन सब का स्कूल चलाने के लिए एमजीएम हाई स्कूल ने जिम्मेदारी ली। और आज जब मैं इस स्कूल के प्रांगण में करीब 7-8 महीने के बाद आया तो मुझे देख के बहुत ही खुशी हुई, ना केवल स्कूल की व्यवस्था देख के बल्कि फादर की जो कमिटमेंट है। मैंने देखा कि फादर सब बच्चों को अपने बच्चों की तरह प्यार करते हैं और स्कूल के टीचर, स्कूल की प्रिंसिपल सभी इस तरह से बच्चों के प्रति डिवोटेड हैं कि हमें ये लगा कि वाकई ये स्कूल जो है बहुत ही जिम्मेदार हाथों में है और बहुत ही रिस्पेक्टेबल हाथों में है और बच्चों का भविष्य उज्जवल है। मैं एक बार फिर अपनी तरफ से, अपनी मैनेजमेंट की तरफ से एमजीएम स्कूल की मैनेजमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और हम उन्हें विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आगे भी इस स्कूल की उन्नति के लिए, इस स्कूल को आगे बढ़ाने के लिए जो जो सुविधाओं की जरूरत होगी बालको मैनेजमेंट उसमें हमेशा अपना योगदान देगा। और हमारी यही कोशिश रहेगी कि स्कूल को इस स्टैंडर्ड पर ले आए कि ये स्कूल एक इंटरनेशनल स्कूल के स्टैंडर्ड के में परिवर्तित हो सके। हमारी ये बहुत योजना है कि बालको टाउनशिप को हम इम्प्रूव करें, पूरी टाउनशिप में एक नया रूप देने की जो प्रक्रिया है उसके ऊपर कार्य हो रहा है। इसमें मेरे सहयोगी मित्तल साहब रात दिन बहुत मेहनत कर रहे हैं अपनी पूरी टीम के साथ और हमारी ये योजना है कि हम पूरी टाउनशिप को नया बनाएं करीब अगले 3-4 साल में। और उसके साथ ही साथ इस टाउनशिप में ऐसे स्कूल बने जो कि इंटरनेशनल स्कूल के लेवल्स के हों ताकि हमारे अपने बच्चे जो हैं वो अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार धारण कर सकें। मैं नर्सिंग स्कूल के जो टीचर्स हैं, जो प्रिंसिपल हैं, उन सबको बहुत ही साधुवाद देता हूं कि वो जिस तरह से नन्हे मुन्ने बच्चों को हैंडल करते हैं मानो जैसे छोटे छोटे फूलों को हैंडल किया जाता है, उस तरह से वो प्यार स्नेह के साथ उनमें जो संस्कार भरते हैं वो अपने आप में एक बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। अंत में मैं उन तमाम बच्चों को और उनके पेरेंट्स को बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने कमलनी स्कूल में पिछले साल में अनेक पुरस्कार हासिल किए और वो जो लेने जा रहे हैं। और ज़्यादा समय नहीं लेते हुए क्योंकि बच्चे थक गए होंगे, उन्होंने बहुत अच्छे प्रोग्राम तैयार किए हैं और आइए हम सब मिलकर उनके प्रोग्राम देखते हैं और भगवान से ये दुआ करते हैं कि ये स्कूल और स्कूल में पढ़ने वाले सभी बच्चे एक अच्छे नागरिक बने, अपना और अपने देश का, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। मैं अंत में कमलनी एमजीएम स्कूल की मैनेजमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें आज यहाँ आने का मौका दिया और उम्मीद करते हैं कि आने वाले सालों में भी स्कूल की जो भी फंक्शन होंगे उसमें हमें आने का मौका दिया जाएगा। धन्यवाद। कार्यक्रम में श्री सूरी, श्री मित्तल और श्रीमती सूरी ने उन छात्र छात्राओं को पुरस्कार दिए जिन्होंने शिक्षा के अलावा विभिन्न पाठ्य सहगामी कार्यक्रमों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। The third award is PD Rashmi Award. Bishop's Outstanding Award goes to Bhavi Jain. She is the PASA student of
मिस्टर पी के धर्मपालन, इफ ही इज हियर टू प्लीज स्टैंड अप। इस मौके पर उपस्थित बिलासपुर एमजीएम स्कूल के प्राचार्य रेवरेंट फादर श्री मैथ्यू चेरियस ने कहा कि एक बेहतरीन नागरिक तैयार करने के लिए बुनियादी शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। कार्यक्रम में कमलिनी एमजीएम के प्राचार्य फादर एस जॉन ने स्कूल की उपलब्धियों से अभिभावकों को अवगत कराया। कमलिनी एमजीएम के सचिव श्री के जी कुरियन ने स्वागत भाषण दिया। वार्षिक उत्सव का आरंभ राजस्थानी गीत पधारो महारो देश की रंगारंग प्रस्तुति से हुई। रंग बिरंगे परिधानों में सजे नन्हे मुन्नों ने अपने उत्कृष्ट नृत्य और भाव भंगिमाओं से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। कम लिटिल चिल्ड्रन और स्वरों की माला गीत पर प्रस्तुत नृत्य ने भी दर्शकों को काफी प्रभावित किया। फ्यूजन नृत्य, डांडिया नृत्य और मेरी क्रिसमस नृत्य के माध्यम से भी छात्र छात्राओं ने खूब वाहवाही बटोरी। बंदर बांट नामक प्रहसन ने लोगों को खूब गुदगुदाया। Get up.